बिहार में जेडीयू बीजेपी गठबंधन टूट गया है। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा है नीतीश कुमार ने और कहा कि विधायकों सांसदों की सहमति से फैसला लिया, सब लोगों की इच्छा थी कि एनडीए से अब अलग होना है। महाराष्ट्र में शिंदे कैबिनेट का विस्तार हुआ, 18 मंत्रियों ने शपथ ली, सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस रहे मौजूद। प्रधानमंत्री कार्यालय ने पीएम नरेंद्र मोदी समेत अन्य मंत्रियों की संपत्ति की घोषणा की, 2021-22 में पीएम नरेंद्र मोदी के चल संपत्ति बढ़कर 26,13,000 रुपए हुई। इसके साथ ही पीएम मोदी ने गुजरात में एक आवासीय भूखंड में भी निवेश किया है। इसी महीने से शुरू होने वाले एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, पूर्व कप्तान विराट कोहली और केएल राहुल की हुई वापसी, कोहली और राहुल की वापसी से फैंस में खुशी का माहौल। श्रीलंका ने चीनी पोत को रोका, पाकिस्तानी पोत को आने की इजाजत दी, भारत की हालात पर पैनी नजर, श्रीलंका ने भारत के अनुरोधों के बाद सामरिक रूप से अहम माने जाने वाले हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीनी जासूसी जहाज को आने की अनुमति नहीं दी, लेकिन कोलंबो ने पाकिस्तानी नौसेना के सबसे शक्तिशाली युद्ध पोत पीएनसी तैमूर को कोलंबो पोर्ट पर आने की अनुमति दे दी है। 10 दिन में दूसरी बार एचडीएफसी ने दिया ग्राहकों को झटका, एचडीएफसी ने रिटेल प्राइम लैंडिंग रेट में किया 0.25% का इजाफा, आरपीएलआर पर बेंचमार्क रहती है एचडीएफसी की होम लोन दरें और एचडीएफसी ने 3 महीने में 6 बार बढ़ा दी है ब्याज दरें। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में म्यांमार बॉर्डर के पास असम राइफल्स के शिविर पर हुआ आतंकी हमला, हमले में एक एससीओ का जवान घायल हुआ। उत्तराखंड सीमा पर आईटीबीपी की महिला रूंग रटो ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर लहराया तिरंगा, दरअसल रंग रूटो ने ये तिरंगा लहराया, हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली है तिरंगा यात्रा। देशभर में कोरोना मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, देशभर में 12,751 नए कोरोना मामले सामने आए। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,372 नए मरीज मिले, जिसके बाद सक्रिय मामले 7,484 हो गए, 1,927 मरीज ठीक हुए हैं और 6 लोगों की मौत की खबर है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से शुरू होगी, भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकलेगी, 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर निकलेगी यात्रा और संपन्न होने में लगेंगे करीब 5 महीने, 5 महीने में करीब 3500 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। तो पूरे देश भर में मॉनसून मेहरबान है, गोदावरी कृष्णा नदी से बाढ़ की आशंका, महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अलर्ट, प्रदेश में भी बारिश के आसार। देश के कई हिस्सों में तेज बारिश और बाढ़ लोगों के लिए मुसीबत बनकर आई, पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत से लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही, महाराष्ट्र ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है, प्रदेश के रत्नागिरी में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए, यहां केशरी नदी का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। विवादों में रहने वाले वैराग्यानंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा को भोपाल महिला पुलिस ने रेप के आरोप में गिरफ्तार किया, बाबा पर एक दिन पहले 28 वर्षीय महिला ने भोपाल के महिला थाने में रेप का केस करवाया था दर्ज। श्रीलंका में 50 नए पेट्रोल पंप खोलेगी इंडियन ऑयल, करेगी कारोबार का विस्तार, नए पेट्रोल पंप खोलने की मंजूरी मिलने से उत्साहित एलआईओसी। रूस से जारी जंग के बीच अमेरिका का बड़ा ऐलान, यूक्रेन को फिर भेजे गए अरब डॉलर की सैन्य सहायता, नई घोषणा के तहत यूक्रेन की सेना को अमेरिकी रक्षा विभाग से सीधे रॉकेट, गोला बारूद और अन्य हथियारों की अब तक की सबसे बड़ी डिलीवरी होगी। नीतीश कुमार की गुगली से सख्ते में बिहार, बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाया जनता को धोखा देने का आरोप, बिहार में बदलाव पर दिल्ली की भी नजर। दक्षिण कोरिया में बारिश का कहर जारी, राजधानी सियोल में भारी बारिश से बने बाढ़ के हालात, शहर के कई मेट्रो स्टेशन में पानी भरने से उन्हें करना पड़ा बंद, कई इलाके हुए जलमग्न। बांग्लादेश में एक बार फिर से रोहिंग्या शरणार्थियों का मामला जोर पकड़ने लगा है, बांग्लादेश ने चीनी विदेश मंत्री से रोहिंग्या शरणार्थियों की म्यांमार वापसी में मदद करने का अनुरोध किया। चीन से विवाद के बीच अब ताइवान ने भी शुरू किया युद्धाभ्यास, ताइवान ने चीनी हमले से अपनी रक्षा करने के लिए फायर आर्टिलरी ड्रिल शुरू की, वहीं चीन भी दोबारा युद्धाभ्यास का कर चुका है ऐलान। चीन की ओर से लगातार सैन्य अभ्यास जारी है, ताइवान के विदेश मंत्री ने इसे लेकर कहा कि सैन्य अभ्यास के बारे ताइवान पर कब्जे की कोशिश कर रहा है चीन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के घर छापेमारी, डोनाल्ड ट्रंप के घर एफबीआई की छापेमारी, फ्लोरिडा में ट्रंप की आवाज पर छापेमारी हुई, एफबीआई ने कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए छापा मारा था, राष्ट्रपति कार्यकाल में डॉक्यूमेंट्स लाने का आरोप है, ट्रंप ने बयान जारी कर छापेमारी की पुष्टि की।
जयपुर के बिंदायका में बदमाशों ने एटीएम को बनाया निशाना, दो एटीएम मशीनों को उखाड़ ले गए बदमाश। भांगरोटा पुलिस खंगाल रही है सीसीटीवी फुटेज। कोटा के नयापुर में पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी पर 2000 का इनाम भी घोषित किया था। जैसलमेर के रामदेवरा रेलवे मार्ग पर मिला युवक का शव, शव का सर से धड़ अलग था। सूचना के बाद जीआरपी के अधिकारी मौके पर पहुंचे, शव को कब्जे में लेकर शव की शिनाख्ती के प्रयास किए जा रहे हैं। सिंपऊ के रोहाई का नगला गांव में एक पक्का मकान ढहने से हादसा हुआ। मकान के तीन कमरे भरभरा कर जमीन ऊंट हो गए। मकान सूना होने के कारण यहां बड़ा हादसा होने से टल गया है। बामनवास के दिग्गज राजनीतिज्ञ एवं पूर्व राज्य मंत्री भरत लाल मीणा का आज गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। चार बार विधायक रहे 86 वर्षीय भरत लाल मीणा का कल जयपुर के एक अस्पताल में निधन हो गया था। मंत्री प्रसादी लाल सहित कई विधायक व दिग्गज अंत्येष्टि में शामिल हुए। फतेहपुर शेखावाटी में आजादी के अमृत महोत्सव के चलते नानू भैरू शिवालय, श्री बुधगिरी मढ़ी, श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर सहित अन्य मंदिरों में तिरंगों से विशेष सजावट की गई है। कई मंदिरों में तिरंगे की थीम पर भगवान शिव का श्रृंगार किया गया। लंपी स्किन डिजीज को लेकर भड़ियाना उपखंड प्रशासन सतर्क नजर आया। भड़ियाना उपखंड अधिकारियों प्रकाश के निर्देशन में 7 टीमों का गठन किया। टीम ने भड़ियाना के अलग अलग गांव में बीमार गोवंशों का टीकाकरण किया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बीसलपुर बांध स्थित बीसल देव मंदिर में संगीत रोशनी करके तिरंगे की छटा बिखेरी गई, जो कि आकर्षण का केंद्र बन गया है। यह सजावट 15 अगस्त तक रहने वाली है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत मलारना डूंगर उपखंड के मलारना चौड़ कस्बे के आत्मानंद वैदिक गुरुकुल के विद्यार्थियों के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान तिरंगा यात्रा का जगह जगह भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीणों ने स्वागत किया। अलवर में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से अगस्त क्रांति दिवस पर शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के मंत्री टीकाराम जूली, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष योगेश प्रधान, विधायक साफिया खान सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित हुए। करौली में ख्यातनाम संत गोमती दास जी मंदिर पर आयोजित लहरिया महोत्सव में सावन की मल्हारों पर महिलाओं ने झूला झूलने का आनंद लिया। श्री गोमती दास कीर्तन मंडली की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने शिरकत की। भरतपुर के डीक थाना क्षेत्र के गांव जनूथर में बदमाशों ने एक अधिवक्ता के परिवार पर हमला कर दिया। अधिवक्ता के पिता को पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की गई। गंभीर हालत में आरबीएम अस्पताल की बर्न यूनिट में इलाज जारी है। अन्य लोग घायल हो गए। जमीन को लेकर ये पूरा विवाद बताया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी को चामन सिटी के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने लायंस क्लब की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान में तिरंगा वितरण कार्यक्रम में भाग लिया। जोधपुर के कायलाना झील में आत्महत्या करने वालों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। एक महिला जब कायलाना झील में आत्महत्या करने के लिए पहुंची तो महिला के झील में कूदने से पहले वहां पर स्थानीय गोताखोर भरत चौधरी, अशोक सिंह, राम नारायण, गणेश व शंकर ने महिला से समझाइश कर उसे पुलिस को सौंप दिया। 12 के अंत में ताजियों का जुलूस निकाला गया। विशेष रूप से जुलूस के दौरान हथियारों पर पूर्णतः प्रतिबंध रहा। इसी के साथ ताजियों के साथ निकले जुलूस में सबसे आगे तिरंगा झंडा आकर्षण का केंद्र रहा। सुरक्षा की दृष्टि से कड़ी व्यवस्था की गई। बीकानेर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय में 114वीं बटालियन में पौधारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ। पौधारोपण कार्यक्रम में सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों और जवानों ने भाग लिया। हजारों की संख्या में पौधारोपण किया गया। डूंगरपुर में बड़ेश्वर धाम पर नेहरू युवा केंद्र के युवाओं की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। जिला युवा समन्वयक प्रदीप कुमार और नेहरू युवा केंद्र के राज्य निदेशक पवन कुमार अमरावत के निर्देशन में युवाओं ने 2 किलोमीटर की तिरंगा रैली निकाली। बेंगू में पहली बार आयोजित हुआ लहरिया महोत्सव। नेहरू गार्डन में महिलाओं ने सावन के पारंपरिक गीतों पर डांस किया। नगर पालिका द्वारा आयोजित लहरिया महोत्सव की पहल की सराहना हो रही है। लहरिया महोत्सव के दौरान प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। आज राजसमंद जिला मुख्यालय पर बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग शहीद स्मारक पर इकट्ठा हुए, प्रदर्शन करने लग गए। जानकारी पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। 2 दिन पूर्व बैनर और झंडे हटाने को लेकर कार्रवाई के दौरान एक दलित समाज के युवक के साथ अभद्रता करने से नाराज होकर हिंदू संगठन विरोध जताता नजर आया। प्रशासन ने कार्रवाई का आश्वासन देकर माहौल शांत करवाया। श्रीगंगानगर के सुखाड़िया सर्किल स्थित भारत माता चौक पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा महोत्सव मनाया गया। मानव श्रृंखला बनाकर देश की आजादी के लिए वीरगति प्राप्त करने वाले शहीदों को याद कर उन्हें नमन किया गया। अमृत महोत्सव के तहत कांग्रेस प्रदेश कमेटी के निर्देश पर निकाली जा रही तिरंगा यात्रा सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ पहुंची। फतेहपुर विधायक व वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हाकम अली और सीकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनीता गिथाला के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा लक्ष्मणगढ़ पहुंची। कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा का भव्य स्वागत किया।
जयपुर में राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ की ओर से आदिवासी दिवस मनाया गया। मगढ़ किले में आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रम, सीएम सलाहकार और संघ के प्रदेश अध्यक्ष रामकेश मीणा कार्यक्रम में मौजूद रहे। रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर सिरोही जिला मुख्यालय समेत पूरे जिले भर के बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। बाजार में कई प्रकार के रक्षा सूत्र दुकानों पर मिल रहे हैं। बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार के आकर्षण राखियां मिल रही हैं, तो हर उम्र के लोगों के लिए अलग अलग प्रकार की राखियां बाजार में बिकने के लिए तैयार है। पानी के तेज बहाव के कारण रेल पटरियों के नीचे से मिट्टी खिसकने से अवरुद्ध हुआ जोधपुर जैसलमेर रेल मार्ग दुरुस्त करवा लिया गया है। तेज बारिश, दलदल और संकरे रास्ते के बावजूद ट्रैक के रखरखाव का काम पूरा होने के साथ ही जोधपुर जैसलमेर जोधपुर रेलमार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है। जयपुर के सांगनेर में आजादी के अमृत महोत्सव पर पूर्व संसदीय सचिव कैलाश वर्मा ने आवास से तिरंगा जागृति रथों को रवाना किया। रथ बगरू विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा जागृति कार्यक्रम को बनाएंगे सफल। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निकाला गया ताजिया का जुलूस। ड्रोन कैमरे से जुलूस की निगरानी की गई। जुलूस को लेकर एएसपी रावत भाटा, ज्ञान प्रकाश नवल और एसडीएम कैलाश गुर्जर ने पूरी कमान संभाली हुई थी। सवाईमाधोपुर के बोली में मुहर्रम के अवसर पर मातमी धुनों के साथ ताजिए निकाले गए। इस दौरान हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय देखने को मिला। इमामबाड़ा से रवाना होकर निर्धारित मार्गों से होते हुए ताजिए करबला मैदान पहुंचा। विश्व आदिवासी दिवस पर सिरोही के स्वरूपगंज में भव्य विशाल वाहन रैली निकालकर एकता का परिचय दिया गया। विशाल रैली आदिवासी समाज के लोगों द्वारा निकाली गई थी। रैली स्वरूपगंज होते हुए पिंडवाड़ा के समीप बसंतगढ़ के लिए रवाना हुई। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिरोही के माउंट आबू में अमृत महोत्सव के तहत वाहन तिरंगा झंडा रैली का आयोजन किया गया। एसडीएम और डीएसपी ने हरी झंडी दिखाकर वाहन तिरंगा रैली को रवाना किया। तिरंगा वाहन रैली नगर पालिका पुस्तकालय पहुंचकर समाप्त हुई। बारा के आदिवासी बाहुल्य इलाके किशनगंज शाहबाद में विश्व आदिवासी दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। इस मौके पर सहरिया समुदाय के लोगों ने रैली निकाली। रैली में लोक कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। झालावाड़ में हजरत हमीदुद्दीन चिश्ती उर्फ मीठे महावली सरकार की दरगाह पर रस्म अदा की गई। इस दौरान दरगाह परिसर में हजारों की संख्या में जायरीन उमड़े। दरगाह में गुस्ल की रस्म अदा की गई, जिसे देखने के लिए जायरीनों का सैलाब उमड़ पड़ा। बूंदी के तालेड़ा में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हुई। बूंदी विधायक ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर और हर दुकान पर तिरंगा लहराया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत तालेड़ा से की गई। डेगाना में उप अधीक्षक नंदलाल सैनी ने हरसोल कस्बे की पुलिस चौकी का औचित निरीक्षण किया। आरपीएस अधिकारी सैनी ने निरीक्षण किया। इस दौरान अनुसंधान कक्ष, रिकॉर्ड रूम, मालखाने, मैस, कंप्यूटर कक्ष यहां का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा पंचायत समिति कार्यालय की ओर से विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया गया। कस्बे के विनोबा भावे खेल मैदान में पूर्व राज्य मंत्री व भाजपा प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा इस दौरान मौजूद रहे। समारोह में विभिन्न स्कूली बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। सीकर में शाम भक्तों की भगदड़ से हुई मौत का मामला। मंदिर कमेटी पर लापरवाही का आरोप लगाकर लोगों ने आक्रोश जताया। जाट समाज ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। झालावाड़ में मुहर्रम के अवसर पर मातमी धुनों के साथ ताजिए निकाले गए। जुलूस के दौरान राष्ट्रीय झंडा भी लहराया गया। जुलूस वाले मार्ग पर छबीले लगाकर शरबत पानी पेश किए गए। टोंक में पुलिस और जीएसटी की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर के पास से 20 ग्राम स्मैक बरामद हुई। सीकर में भाजपा महिला मोर्चा ने आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। 13 से 15 अगस्त तक घर घर में फहराया जाएगा तिरंगा। इसे लेकर भाजपा महिला मोर्चा तिरंगा वितरण करेगा। तात्या टोपी पार्क में हुई भाजपा महिला मोर्चा की बैठक। सेंपऊ में मुस्लिम समुदाय की ओर से मुहर्रम पर ताजिए का जुलूस निकाला गया। कस्बे में शाही जामा मस्जिद के पास इमामबाड़ा चौकी से शुरू हुआ जुलूस कस्बे के मुख्य मार्गो से होकर करबला में पहुंचेगा। सीकर के फतेहपुर में मातमी धुनों के बीच ताजिए निकाले गए। जुलूस के दौरान कड़ी सुरक्षा रही। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही। पीर के रोजा का ताजिया सोना चांदी से बनाया गया, जो 10 फीट लंबा, 4 फुट चौड़ा, जिसकी लागत करीब 10 लाख रुपए बताई गई। विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी समाज की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बूंदी में आदिवासी समाज द्वारा एक रैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें आदिवासी समाज की पारंपरिक वेशभूषा और संस्कृति को प्रस्तुत किया गया। टोंक में लोगों के आराध्य देव धन्ना भगत की तोपथली धुआं कला गांव में स्थित शिव मंदिर में रुद्राभिषेक किया गया। इस दौरान जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजा राम मीर ने शिरकत की।
सांगानेर में रामपुरा फाटक से भांकरोटा तक वाहन तिरंगा यात्रा निकाली गई। सांगानेर मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि सांगानेर में दो मंडलों में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें विधायक अशोक लाहौती सहित भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। जालौर के रानीवाड़ा में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा पहनकर आदिवासी संस्कृति को साकार किया। जोधपुर के शेरगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान रैली निकाली गई, एकता का संदेश दिया गया। प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग, शेरगढ़ विधायक मीना कंवर राठौड़ सहित कई गणमान्य लोग इस दौरान उपस्थित रहे। झालावाड़ के पनवाड़ थाना क्षेत्र के हरिगढ़ गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक विवाहिता और एक मवेशी की मौत हो गई। खेत में काम करने के दौरान आकाशीय बिजली गिरी थी। चूरू के धुआधोर बाबा शिव मंदिर में 121 बर्फ की शीलियों से पहाड़ बनाया गया। भगवान शिव का आकर्षक श्रृंगार किया गया। इस अलौकिक झांकी को देखने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। ब्यावर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत गुजरात के आनंद से राजधानी दिल्ली स्थित शहीद स्मारक तक स्केटिंग से यात्रा करने वाला स्केटिंग यात्री वालन सेन ब्यावर पहुंचा। स्केटिंग यात्री के राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने के दौरान श्री सेन समाज संस्थान एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सेन का स्वागत किया। सेन ने बताया कि गुजरात से शुरू हुई यात्रा 1100 किलोमीटर लंबी है। सावन के पवित्र महीने में भगवान शंकर की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। शिव मंदिरों में श्रद्धालु की ओर से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जा रहा है। ब्यावर की महादेव जी की छत्री पर विराजे भगवान भोलेनाथ का गन्ने के जूस से अभिषेक किया गया। टोंक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आजादी गौरव पैदल यात्रा निकाली, जिसका आयोजन देवरी रोड से हुआ। मुख्य बाजार में होते हुए यात्रा कामधेनु सर्किल तक निकाली गई। इस यात्रा का कई स्थानों पर लोगों ने स्वागत किया। प्रतापगढ़ के कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों को अदालत में पेश किया। एक को जेल भेजा, दूसरे को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा है। बाड़मेर में धोरीमन्ना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5000 रुपए के नामी बदमाश हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी सुग्राम बिश्नोई ने बताया कि आरोपी पिछले 18 महीने से फरार चल रहा था। कोटा में रेलवे पुलिस ने महिला शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। दरअसल ट्रॉली बैग में छिपाकर अवैध शराब की तस्करी को देने वाली थी अंजाम। रेलवे पुलिस को शक होने पर तलाशी में खुलासा हुआ। फतेहपुर में ज्वेलर व्यापारी से हुई लूट की वारदात का खुलासा हो गया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मुख्य सरगना अभी भी फरार है। 3 लाख नकद समेत चांदी के आभूषण लूट ले गए थे आरोपी। आरोपी से पूछताछ जारी है। अलवर पुलिस ने घनश्याम सैनी हत्याकांड मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास एक मृतक घनश्याम की स्कूटी बरामद की। गिरफ्तार अभियुक्त पर 2000 का इनामी बदमाश है। जोधपुर के शेरगढ़ में युवा गोभक्तों ने व्हाट्सएप के जरिए 60 से 70 हजार रुपए इकट्ठा किए। गोवंशों में फैल रही बीमारी को लेकर आरोग्य रोटी और लड्डू बनाकर गौशाला समेत आवारा पशुओं को भी खिलाए गए। दौसा में भरतपुर जा रही रोडवेज बस का फटा टायर, अनियंत्रित होकर बस खाई में गिरी। 3 यात्रियों को आई चोट। मानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जिंदा पीर कहे जाने वाले मनिंदरजीत सिंह बिट्टा मेड़ता सिटी पहुंचे। मीरा महोत्सव समिति ने किया जोरदार स्वागत। बिट्टा ने शहीदों के परिवार को सम्मानित किया। सिरोही के पिंडवाड़ा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने अवैध रूप से जोड़ा पोस्ट की तस्करी करने जा रहे दो तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारकर फरार होने की फिराक में थे तस्कर। नागौर की मेड़ता सिटी में कांवड़ियों ने पुष्कर के पवित्र जल से रामेश्वर महादेव मंदिर में भोलेनाथ का अभिषेक किया। भोले की मस्ती में झूमते हुए कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। डोरिया की साड़ी को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार 2019। रोटेरा के पूर्व उप सरपंच दिल्ली में सम्मानित किए गए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, दर्शना जरदोश और कपड़ा मंत्रालय सचिव उपेंद्र प्रसाद सिंह ने सम्मानित किया। झुंझुनू में स्कूल बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। सामने से आ रहे ट्रक के कुचलने से युवक की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। झुंझुनू में एनएसयूआई के दो पदाधिकारियों ने त्यागपत्र दिया। जिला उपाध्यक्ष निखिल चौधरी और नगर अध्यक्ष सालिम खान जाता ने इस्तीफा दिया। संगठन पर विपरीत विचारधारा के सदस्यों को शामिल करने का भी आरोप लगाया गया। चूरू में विधायक पद्मश्री डॉक्टर कृष्णा पूनिया के नेतृत्व में 22 किलोमीटर आजादी गौरव यात्रा का आगाज हुआ। हाथों में तिरंगा लेकर युवाओं ने नारे लगाए। हर्षोल्लास के साथ ये यात्रा पूरी हुई। दौसा में कंप्यूटर की दुकान पर चोरी का मामला। बस डिपो के सामने दुकान का ताला तोड़ा। 4 लैपटॉप, 5 LED, 2 प्रिंटर समेत लाखों का माल साफ कर दिया। कोतवाली थाना पुलिस ने मौके का जायजा लिया।
जैसलमेर के भणियाना में ACBEO जस्साराम चौधरी ने कार्यभार ग्रहण किया है। समारोह में बड़ी संख्या में शिक्षा अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। लोगों ने चौधरी को बधाई और शुभकामनाएं दी। नागौर की मेड़ता सिटी में ओबीसी आरक्षण से संबंधित 3 सूत्री मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। हॉरिजेंटल आरक्षण की जगह वर्टिकल आरक्षण करने की मांग की गई। पूर्व MLA रामचंद्र जारोड़ा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। अलवर में क्रांति दिवस पर शहीद स्मारक पहुंचे कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली। कांग्रेस पदाधिकारियों समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर शीश झुकाया। डूंगरपुर कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव और SP राशि डोगरा सिटी राउंड पर निकले। कलेक्टर और SP ने मोहर्रम और विश्व आदिवासी दिवस की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान ATM तहसीलदार समेत कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। सीकर के फतेहपुर में बाबा लक्ष्मीनाथ के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। रक्षाबंधन पर होने वाले झूलोत्सव को लेकर आराध्य देव का भी आकर्षक श्रृंगार किया गया। लंबे वायरस के दिनों दिन बढ़ते प्रकोप से पशुपालकों की चिंता बढ़ रही है। सिरोही की देलदर तहसील के जायतारा ग्राम पंचायत में 40-50 गायों के शरीर पर गांठें उभर गई है। सिरोही जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल ने प्रभावी मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। सीकर के फतेहपुर में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर गौरव पदयात्रा 75 किलोमीटर लंबी पदयात्रा का आगाज हुआ। चित्तौड़गढ़ के घाटा में हुई पंचायतों की बैठक हेरिटेज कंजर्वेशन प्रमोशन अथॉरिटी के चेयरमैन सुरेंद्र सिंह चाड़ावत समेत सरपंच रघुवीर सिंह मौजूद रहे। हनुमानगढ़ में लंपी स्किन डिजीज को लेकर उपखंड अधिकारी शकुंतला चौधरी ने गौशाला पदाधिकारियों की बैठक ली। पशुपालन अधिकारी ने लक्षण और उपचार समेत संबंधित जानकारी दी। SDM ने फीडबैक लिया। नागौर की कुचामन सिटी में 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए जागरूकता रैली का आगाज हुआ। जगह जगह पुष्प वर्षा कर तिरंगा रैली का स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। नागौर में ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर प्रदर्शन। ओबीसी युवा मोर्चा की बैनर तले नागौर नगर परिषद पार्क में धरना दिया गया। टोंक में दिनदहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास एक अवैध कट्टा भी बरामद हुआ। आरोपियों से पूछताछ जारी है।